और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी राजस्थान। बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर। करेक्ट साढ़े ग्यारह हम निकल रहे हैं यहाँ से, मिलते हैं कल राजस्थान। सो गाइस आ गए पार्थ कामरा हमारे साथ। बोलो 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 फटाफट। हेलो गाइस वेलकम टू पार्थ कामरा व्लॉग्स। होप करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई फाइनली हम तीन छुट्टियां थी हमारी, मम्मा की भी जैसे थी ऑफिस वगैरह की, तो हमने सोचा कहीं चलते हैं। भाई हमने प्लान बनाया, आज ही बना प्लान बना, कितने बजे? 4 बजे करीब प्लान बना और लगा लो अभी। ये भी इंस्टेंट प्लान, कोई हमें मतलब ये लगा लो कि भगवान ने बुलाया एक तरह से दर्शन करने। और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी राजस्थान, बुलावा आया तो भाई जाना था। और अभी हम रुके रास्ते में यहाँ पे नीलकंठ वैष्णो पंजाबी ढाबा, क्योंकि अंबाला वाली रोड पे, पूरे रोड पे कहीं ढाबा है नहीं, तो हम यू टर्न मार के आए। हमने कहा यहीं पे रुक जाते हैं आगे। भाई थोड़ा आज बिजी था, क्यों? इसकी सिस्टर का है बर्थडे, मतलब हमारी मेरी सिस्टर है। हाँ। उसका बर्थडे भाई, उसी की प्लानिंग में लगे हुए थे। फिर तो प्लानिंग बस यही थी कि प्लानिंग ऐसी सडन प्लान बदल गई, एकदम बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हम निकल दिए, देखो अब हम 100 किलोमीटर का पैच कवर कर रहे हैं पीछे चंडीगढ़ का। हम निकले थे 8 बजे और ये निकले थे 8 बजे। खाटू श्याम जी की जय। हारेगा सहारा बाबा, श्याम हमारा जी। आज की ना शाम खाटू, खाटू श्याम के नाम श्याम। सुबह सुबह जाएंगे आप, लगा लो 5-6 बजे पहुंचेंगे मजे से, रास्ते में रौनक लगाते जाएंगे। हमारे साथ ये जा रहा है और बाकी ये तो बिजी लोग, बाकी अंदर खाना खा रहे हैं, तो आपको भी खाना खाते हैं। लोग ही जा रहे हो, चलो अंदर चलिए। परांठे जैसे चाहे वैसे बनाएं, क्या बनवाएं, सॉरी बनवाएं। चलो भाई खाना खा के फिर कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आज है मेरी सिस्टर का बर्थडे, तो भाई इससे मनाते हैं पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो भाई आज इसके बर्थडे पे भाई देख लो, हमारी सडन प्लान बना है, सडन प्लान, और ये सच्ची बात है, सडन प्लान ही बना हमारा कि हम जाएंगे 4 बजे। हमने डिसाइड किया था लेट हुआ से भी, और डिसाइड होते साथ ही हम निकल लिए थे भाई, देख लो 2-3 घंटे बाद। इन्होंने मुझे विश भी नहीं करा और मेरे को फीलिंग आ रही बर्थडे वाली, ना किसी ने मेरा कोई केक कटवाया, बड़े बेशरम होया। ओ भाई तो गाटियां खड़ी हैं हमारी यहाँ पे, ठीक है, और बस अभी खाना खुना खाते हैं और भाई तैयार फिर होकर चल रहे हैं। तो ये लोग, ये देखो इसकी चप्पलें देखो भाई, इसको गिफ्ट मिली ना भाई, गिफ्ट तो इसको मिली है सोने की अंगूठी। मैं क्या सोने की अंगूठी मिली है। अभी इसका है फिलहाल केक काट रहे हैं, हम ड्राई केक ले गया था हमने रास्ते में, वो काट दें, इसके बिना बर्थडे अधूरा है। केक ड्राई केक समझ नहीं आ रहा मुझे, तेरे व्लॉग में हूँ मैं, उसके व्लॉग में हूँ। हेलो बर्गर खा लो। नहीं सुनो भाई, ये हैं हम असली बर्थडे पे, न्यू व्लॉगर ये दादी तुम क्या काम करते हो? मैं नहीं बताऊंगा। ये देखो चश्मा बनने की कोशिश कर रहे थे, बन गए जी, देखो बन नहीं पाएंगे जी। कितने कितने का लेना चाहते हो? 150 रुपया देगा। कौन सा ज्यादा कितना जो गई है नहीं आज ले तो ओए ओए ये तो घास काटनी थोड़ी ना ही है। वाड़ दे आ जाओ, कहाँ से लाया ये? कहाँ से लाया ये? कुछ नहीं, रेड बुल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे भाई मार देती बर्गर।
नमकीन के का अरे बढ़िया सी है बर्गर बर्थडे तो बांध के नहीं मतलब देखो मैं धक्का मार के आ रही है अपना ऐसे है कौन से हैं वही तेरा भी सही है अब ऐसे खाएंगे ऐसे ले भी धुंध चेक करो गाइस धुंध इतनी धुंध में आ गया ले दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा भाई कैमरा देख रहा पता नहीं देखो खेत में खड़े हैं इस टाइम हम सांप आ गया ना सारा कुछ पूरी धुंध ही धुंध है ठीक है ये गन्ने हैं साइड में लगे अपने ओ गन्ने ओ तेरी जा बुला फिर जूस वाला तो भाई मस्त खा लिया हमने साग खाना खुना खा लिया हमने साथ में खाया पनीर साग मजा आ गया खा के ठीक है पेट भर गया यहाँ पे क्योंकि आगे कोई ढाबा नहीं था मैंने इस करके आगे से यूटर्न मारा हमने वाले खा लेते हैं नहीं तो फिर रह जाएगा भाई भूख भी लग रही थी हम घर से भी कुछ खा गया इतना और ये भाई इधर देखो भाई क्या कर रहे ओए ओए ड्राइवर साहब भाई ये ट्रक की वो कर रहा अपनी रिव्यू दे रहा है ट्रक का रिव्यू दे रहा भाई भाई बस अब हम पहुंचेंगे लगभग सुबह 5 से 6 बजे मजा आएगा पर जो भी है करेक्ट 11:30 हम निकल रहे हैं यहाँ से ठीक है और अब देखना भी कितने बजे तक पहुंचते हैं मिलते हैं कल राजस्थान पीछे क्या बात है इफेक्ट दे दिए हैं और सुनाओ ठीक हो लग दी है ठंड तो लो भाई अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं क्योंकि हम रास्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही थी भाई रास्ते में हम रास्ता काफ़ी ज़्यादा गलत जा रहे थे तो हम आगे आए बीच में एक कट आया था हमने वो कट लिया नहीं तो वो रह गया अब उस चक्कर में हम रह गए तो अब 4-5 किलोमीटर फालतू पड़ गया अब यू टर्न मार के आए कि जब हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे और धुंध हो रही खतरनाक भाई बड़ी औखी से मतलब लगा लो हम बस के पीछे ले आके गए हैं या बस या ट्रक को फॉलो करते करते क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिलहाल अभी हम खड़े हैं पेट्रोल पंप पे तो हमने कहा रास्ता वगैरह ही पूछ लेते हैं फिर आगे चलते हैं क्योंकि आगे पुल था भाई हाईवे ही चल रहा है सीधा कंटिन्यू तो हमने कहा पहले रोक के पता कर लेते हैं ऐसे गलत ना जाए भाई जाएगा तो ये देखो भाई धुंध ही धुंध है भाई पूरी धुंध तो बस यही है कि सेफली पहुंच जाएं बढ़िया से तो देखना भाई मज़ा आएगा काफ़ी तो भाई अभी जो पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप हाईवे से निकल जाओ तो बेस्ट रहेगा क्योंकि जो जौन से यू टर्न बताया था हमारे को मैप ने वो कहते वो लोकल रास्ता है तो वहाँ से जाना सेफ नहीं है रात के टाइम क्योंकि फैमिली भी साथ है एक तो वो कहते कि अपना हाईवे से जाओ बेशक टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा लेट पहुँचेंगे पर सेफली जाओगे इतना है तो वो कहते हैं हाईवे से जाओ तो बढ़िया रहेगा तो हाईवे चलते हैं भाई बने रहना व्लॉग में पूरा देखना और बाकी भी चलते हैं आगे सुबह लगा लो 6 बजे तक का वैसे टाइम दिखा रहा था कि 6 बजे तक पहुंच जाएंगे पर अभी लगता है कि 7 या 8 बज जाएंगे पर चलो कोई ना मेन ये है कि सेफली पहुँच जाएँ इससे बढ़िया क्या आएगा ठीक है भाई गाड़ी खड़ी है अपनी यहाँ पर तैयार बस चलते हैं अभी ठीक है तो चलते हैं बस और बैठते हैं गाड़ी में भाई बाहर ठंड हो रही है एक नंबर ठंड है बाहर मतलब दुबा के ठंड और लगा लो इतनी ज़्यादा धुंध है ये कह नहीं सकते वीडियो में वो चीज़ आ नहीं रहेगी पर सही में भाई बहुत ज़्यादा धुंध है फिलहाल चलते हैं और जाते हैं खाटू श्याम जी के टेम्पल तो लो भाई पहुंच चुके हैं अपना रास्ते में अब चाय पीते हैं मस्त रास्ते में तो व्लॉग बनाने नींद बढ़िया आ रही थी
तो अब लोग मना रहे हैं। हमारे को लगा राजस्थान जा रहे हैं, थोड़ी गर्मी होगी, पर यहाँ तो उससे जितना सोचा था उससे कई गुना ऊपर ठंड है। ऊपर से जैकेट भी मेरी जो थी, जैकेट तो काम वैसे नहीं कर रही। ऊपर से जो मेरी जैकेट थी वो भी मेरी बहन ने पा रखी है, क्योंकि वो अपनी जैकेट लाना भूल गई, वो वहीं पे छोड़ रही बेड पे जहाँ पड़ी थी, उस करके मेरे को दिक्कत आ रही है। मैंने पापा की जैकेट पा रखी है। तुम भी खाओगे? दसो ही इतनी धुंध सा सी की करिए हमने। दसो क्या करना फिर? पर रास्ता भी नहीं दिख रहा ना, तो कोई पट्टी पुट्टी भी नहीं है। वही तो बात है। तो भाई पहुंच चुके हैं आप अपना, पहुंच चुके हैं अपना खाटू श्याम जी के मंदिर विद मिस्टर अनिश शुभम कुकरेजा और इधर है अपने गोम जी कुकरेजा। ओ गोम जी स्टेप देख, स्टेप हाय पता यार एक और कहां गई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को जरूर।